आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। इसके साथ ही एज वेस्टन में मौजूद इंडियन टीम के कई पूर्व खिलाड़ियों ने जमकर मस्ती की। कमेंट्री बॉक्स में भी अपनी तूफानी जुबानी के लिए मशहूर हो चुके वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली की जोड़ी देखने को मिली। इस दौरान एक मौके पर गांगुली ने सहवाग को चेतावनी तक दे डाली, साथ ही दोनों के बीच दौड़ का चैलेंज भी लग गया। हालांकि ये चेतावनी और चैलेंज दोनों ने हंसी मजाक में किया। पाकिस्तान के साथ मैच के दौरान कमेंट्री में वीरेंद्र सहवाग ने सौरव गांगुली के रनिंग बिटवीन द विकेट पर सवाल उठाए। सहवाग का कहना था कि दादा अपने जमाने में तेजी से रन नहीं ले पाते थे, इसके कारण वो रन आउट होते थे और टीम का स्कोर भी प्रभावित होता था। इतना सुनना था कि गांगुली भी अटैकिंग मोड में आ गए। उन्होंने तुरंत वीरेंद्र सहवाग की बातों का काउंटर किया। कुछ देर बाद गांगुली हाथ में एक पर्ची लिए नजर आ रहे थे। उस पर्ची पर आंकड़े थे। गांगुली ने कहा, मैंने आंकड़े निकलवाए हैं सहवाग, आपको पता है मेरा रन बिटवीन विकेट 36% था जबकि आपका 24%। आप लंबे समय से दर्शकों के बीच अफवाह फैलाते रहे हैं, ये गलत है। फिर दोनों हंसने लगे। सहवाग ने कहा, दादा आपके इस आंकड़े निकलवाने के चक्कर में हमें 2 ओवर और ज्यादा कमेंट्री करनी पड़ गई। आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम इंडिया के लिए नया कोच चुना जाना है। इसके लिए 6 बड़े नाम आवेदन के तौर पर सामने आए हैं। इसमें वीरेंद्र सहवाग का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। बीसीसीआई ने कोच चुनने का जिम्मा सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण को सौंप रखा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।